दोस्त नमस्ते प्रणाम, आप लोग का स्वागत है मेरे पार्वती शर्मा चैनल पर। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए मैं धागा कैसे काटती हूँ आप लोगों को मैं बता रही हूँ। बने रहिए बिजली में, देखिए ये धागा काटती हूँ काटते हैं। कैसे मैं काम करती हूँ, कंपनी में काम करती हूँ, तो थोड़ा मदद करिए आप लोग, लाइक सब्सक्राइब करिए। देखिए ये चप्पल ऐसे ऐसे चप्पल है, धागा काटते हैं इस पर चप्पल नया तैयार होता है। हम कारीगर से चलाते हैं, हम लोग अपना मिलकरी करते हैं, ये धागा काटते हैं। थोड़ा बहुत मशीन मैं भी चला लेती हूँ, तो अभी मैं धागा काटती हूँ। देखिए आप लोग के भी काम करना है कंपनी में, तो आके आप लोग काम करिए। कंपनी में जितने गरीब आदमी होता है, गरीब ही आदमी काम करता है, अमीर आदमी तो बैठे ही खाता है घर में। अमीर आदमी के पास पैसा रहता है, गरीब आदमी के पास हाथ से पैसा बेगारी करके करेगा। पेट है, बाल बच्चा है, इंसान तो काम कैसे करेगा, काम नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ से। तो वही बात है, मैं बहुत गरीब हूँ, जो इसलिए हुआ काटती हूँ चप्पल जूते को, चप्पल जूता बनता है, उसमें मैं काम करती हूँ। और बहुत प्रोटेक्शन में काटना पड़ता है धागा, धागा बहुत प्रोटेक्शन करना पड़ता है। तो अगर काम कम करिएगा तो मालिक बोलने लगता है, ठेकेदार भी बोलने लगता है कि इतनी धीरे धीरे काम करते हैं, मेरे पैसा दिहाड़ी नहीं निकल पाता है, तो इसलिए तेजी में काम करना पड़ता है। तो देखिए मैं कितना तेजी में धागा काट रही हूँ, आप लोग देखते रहिए। तो आप लोग भी थोड़ा सहारा करते बताइए, इतना थोड़ी बात आदमी। तो यही बात है, देखिए दोस्त आप लोग थोड़ा सहारा करते रहिए, मैं धागा भी काटूँ, मेरा इससे भी काम निकल जाए। तो क्या करिएगा लोग, जब आदमी गरीब होता है तो काम तो करना पड़ जाता है, कुछ भी करें, चाहे धागा कटें, चाहे कुछ भी करें, वो तो करना पड़ेगा ना। आप लोग देखते रहिए मैं धागा कैसे काटती हूँ चप्पल को, और यहाँ मैं नया नया चप्पल बनाती हूँ। ये चप्पल के धागा काट करके बनाती हूँ, देखिए इसमें तो धागा रहता है, ये खाँचा खाँचा ये सब धागा रहता है। तो इसको निकालना है धागा को, इस कटर से काटना पड़ता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, हम पूरा आपको दिखाते हैं। ये सब माल है, देखिए ये चप्पल है, पूरी देखिए ये सब, ये सब देखिए सब चप्पल है। ये सब ऐसे लच्छा बन जाता है, ऐसे मशीन चलता है तो ऐसे लच्छा बन जाता है। इसको एक एक करके हम लोग के काटना पड़ता है धागा। तो देखिए और ये ठंडी का मौसम भी आ गया है, तो बहुत ठंडा लग रहा है, तो ये बन जाता है। मतलब ठंडी में सैंडल बनता है तो गर्मी में बिकता है, बना बना के स्टोव हो जाता है तो गर्मी में बिकता है। और जूता बनता है गर्मी में, तो जूता बना के गर्मी में धरा जाता है तो ठंडी में बनता बिकता है। तो यही बात है, ठंडी में सैंडल बनता है, गर्मी में जूता बनता है, सब एडवांस करके रखा जाता है, तब सीजन सीजन बिकता है।
ठंडी आया है तो सेंटर बन रहा है, इसको घास कर देंगे हम लोग बना बना के। और ये देखिएगा गर्मी में, और जब गर्मी आएगा तब जूता बनने का काम लगेगा, इसमें जूता भी बनता है और चप्पल भी बनता है, सैंडल भी बनता है, ये सब देखिए बढ़िया बढ़िया सैंडल इसमें बनता है कंपनी में। और बात हम लोग कंपनी में आते हैं काम करने के लिए, हम लोग काम तो मैं अपने दिखा ही दिया जो क्या काम करते हैं। मैं इतनी गरीब हूँ तो मुझे कंपनी आना पड़ता है, आप लोग भी थोड़ा मदद करिएगा तो हमारा भी आगे भागेगा चैनल। थोड़ा आप लोग से रिक्वेस्ट है जो मेरा मदद करिए, और आप लोग काम मैं दिखा ही रही हूँ, देख ही रहे हैं लोग काम, इसमें छुपाने वाला तो कोई बात नहीं है। मैं तो सच बोलती हूँ, सच दिखाती हूँ। तो देखिए मैं काम करने आया हूँ कंपनी में, और ये मेरा मशीन तो देख ही लिए लोग आप लोग। ये बात है आप लोग थोड़ा मदद करते रहिए मेरा, तो आप लोग देखते रहिए मैं काम करती हूँ। मेरा काम देखिए जो मैं किस हिसाब से धागा वगैरह काटती हूँ, किस हिसाब से चप्पल बनता है, इसमें आपको मैं सारे दिखा रही हूँ। चप्पल बहुत अच्छे अच्छे चप्पल बनता है कंपनी में, एक बन रहा है, बहुत आदमी है कंपनी में, हम बहुत आदमी करते हैं साथ में, हम लोग करते हैं काम, देखते रहिए कैसे कैसे कंपनी में काम होता है। देखिए ऐसे काम होता है, चप्पल नाना प्रकार के बनता है। मैं रोज आपको कंपनी के मैं काम दिखाऊंगी, आप मेरे कंपनी के काम रोज भी देखते रहना। सुबह उठती हूँ 5 बजे, 8:30 बजे तक खाना पानी बना के खाना बना के तब फिर ड्यूटी टाइम 9 बजे तक ही आ जाना है कंपनी में, नहीं तो वो मालिक बोलने लगता है फिर तो वही टाइम से हम लोग ड्यूटी आते हैं अपना। तो ये आप लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरा कि जो आप लोग थोड़ा चैनल के आगे बढ़वाइए और मदद करिए, ये हमारा चैनल आगे बढ़े। और मैं जितना काम करूँगी कंपनी में वो सब मैं आप लोग बताऊँगी कि मैं कैसे कैसे काम करती हूँ, मैं क्या क्या काम करती हूँ। अभी फिलहाल मैं तुम्हें धागा काट रही हूँ, अगर जब मैं मशीन चलाऊंगी तो मैं आपको मशीन भी दिखाऊंगी चलाते हुए कि कैसे मशीन में चलाती हूँ। तो नहीं चलाती हूँ धागा काटते हुए देख रहे हैं आप, ठीक से देख लीजिए चलो धागा में किस हिसाब से काटती हूँ। क्या करिएगा काम के लिए टेंशन हो जाता है, भोरे उठना पड़ता है, बाल बच्चा है, फिर स्कूल भेजना है, तैयार करना है उनके लंच, अपना लंच फिर लेके आना पड़ता है, ठंडी में हो जाता है दिक्कत, गर्मी रहता है तो कोई दिक्कत ना रहता है, ठंडी में उसमें थोड़ा असर हो जाता है, लेकिन काम के चलते उठना पड़ता है। आप लोग देख ही रहे हैं काम में कैसे कर रही हूँ, यही धागा काटना है और इसको सिलाई करना है, सिलाई करना है इसको, सबको सिलाई करना है। कंपनी में थोड़ा आदमी काम है तो धागा भी काट रहे हैं, उनके बाकी मशीन भी चला लेते हैं थोड़ा बहुत, उनका यही 3,000 से 4,000 रुपया मिलता है, इससे ज़्यादा रुपया नहीं मिलता है। 8 घंटे के उसे 1,000-3,500 रुपया मिलता है, और
वही फिर ओवर टाइम लगाते हैं आदमी, 2 घंटे 7:30 बजे तक भी, 9 बजे से 7:30 बजे भी, तो वही 2 घंटा के तो फिर 1500 बन जाता है, तो ओवर टाइम अलग मिलता है। 8 घंटे का जो है 3000 रुपया 3500 रुपया देते हैं, तो वही मिला के हो जाता है 4-5 हज़ार रुपया। तो बताइए इतनी महंगाई में 4-5 हज़ार रुपया में क्या होगा, देख सुन लीजिए हमारा बात, देख लीजिए हमारा काम, कोई गरीब तो नहीं होता है। यदि आदमी अपना मरते मरते रह जाते हैं, 7:30 बजे रात में, तो समझिए 4-5 हज़ार रुपये मांगते हैं, 4-5 हज़ार रुपये में 2 बच्चा है, तो वहाँ से आदमी पाले पूछेगा। हाँ फिर बताइए, तो आप लोग भी थोड़ा मदद करिए, तो मैं अपनी सच्चाई दिखा ही दिया हूँ, मैं कंपनी के अंदर काम करती हूँ, तो यही बात है। देखिए अभी मेरा धागा एक साइड को कट चुका है, एक साइड के जो धागा एक साइड लिए थे वो मेरा धागा कट गया, इसको मैं एक तरफ कर देती हूँ, और फिर ये मैं देखिए अभी दूसरा साइड पकड़ लिए, देखिए अभी दूसरा साइड काटूंगी, तो इसको मैं इधर रखूंगी, अलग रखूंगी, नहीं तो माल मिल जाएगा एक ना, इसमें 6 नंबर 5 नंबर 4 नंबर चप्पल जो है ना अलग अलग कटा के रखूँगी, इसको इधर देखूंगी, 5 नंबर काटूंगी मैं इधर देखूँगी। करने वाली एक लेडीज माल पैक कर रही है और मैं धागा काट रही हूँ, सिलाई होता है ये चप्पल को, तो फिर हम लोग अलग अलग करके दे देते हैं, हम लोग अलग अलग करके काट करके अलग अलग फिर रखते हैं, फिर अलग अलग कपड़ों में पैक करते हैं, तो ये चप्पल पे सोल चढ़ने के लिए चला जाता है। तो फिर चप्पल बिकता है गर्मियों के दिन में, ठंडी के दिन में चप्पल बना के बहुत स्टॉक लगा देते हैं, ज़्यादा नया नया चप्पल बहुत बढ़िया बढ़िया बनता है। तो ये बात दोस्त वीडियो के यहीं तक एंड कर रहे हैं, और करिए रिक्वेस्ट है, नमस्ते।